गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी लोग आ चुके हैं लगभग। अब स्टार्ट करता हूँ क्लास। यस सर। देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आवाज मेरा क्लियर है आज? यस सर। यस सर। आज हम सभी का 12th डे है और अभी भी हम लोग मॉडल में ही कंटिन्यू है। और आज हमारा वोकैबुलरी में, वर्ड पावर में फ्रेजल वर्ब लेकर के आया हूं। आज वर्ड में आपका वर्ड पावर का जो है उसमें आपका फ्रेजल वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो हम लास्ट में देखेंगे, अब ग्रामर सेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो ग्रामर सेशन में आज हमारा सेल से शुरू होगा। यहां तक सबका ठीक है? सभी लोग कैमरा ऑफ कर सकते हैं। अब यहां पर देखो आप सेल, सेल के मतलब आप अगर मैं आप चलोगे तो गा गेगी होता है। और यहां पे हमारा पहला है सेल यूज्ड एज एक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग जितना भी मॉडल है वो सभी मॉडल को एक्सिलरी वर्ब के जैसा प्रयोग करते हैं। और इसका टेंस में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। तो ये जो आपने फ्यूचर के लिए एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग करते हो, ये जो यहाँ पे है वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है? एक्सप्रेस फ्यूचर। ये फ्यूचर को आपको एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आई सेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। तो यहाँ पे जो सेल आया है वह एक हेल्पिंग वर्ब के जैसा आया है, एक आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जैसा आया है। इसके बाद आपका है टू एक्सप्रेस कमांड, प्रोमिस, ट्रेड, ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कंपल्सन। कमांड के मतलब क्या होता है? सेनापति, आदेश, आदेश देना। इसके बाद प्रोमिस, वादा, वादा करना। आप लोग भी काफी बार वादा करते हो कि वर्क सर कंप्लीट करके आऊंगा। और इसमें से भी बहुत लोग होंगे जो अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्लास वाले जो भी पढ़ा रहे हो नोट नहीं करते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना यहाँ पे? यस सर। नहीं करते। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब भी आदेश देना। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। कंपल्सन, मजबूरी। तो ये आपके अलग अलग वर्ड के लिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। तो एक तो आप लोग को मैंने बताया था कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने स्टडी किए होंगे टेंस में, और टेंस में आपने इसके बारे में हल्का जानकारी होगा और पढ़े भी होंगे। लेकिन अब इसे मॉडल के रूप में हम लोग जो प्रयोग करेंगे उसके मतलब समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे कमांड का पहला में है ही सेल नॉट टच माई बुक अगेन, वह मेरा किताब दोबारा नहीं छुएगा। जब वो दोबारा नहीं छुएगा इसके मतलब उसे क्या दे रहे हो? आदेश दे रहे हो। आप भी किसी को क्या कहते हो कि आप मेरा घर दोबारा नहीं आओगे, आप मेरा कलम दोबारा नहीं उठाओगे, आप मेरा साइकिल दोबारा नहीं ले जाओगे। मतलब एक बार उससे अब गुस्सा आ गया ना, सीधा आदेश दे दिए कि आप नहीं उठा सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या बोला है? He shall not touch my book again, वह मेरे किताब को दोबारा नहीं छू सकता है। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं? You shall go at once, आप एक बार जा सकोगे। तो आप एक बार जा सकोगे मतलब कि कोई आदमी है जो आपके पास, मन का समझो कि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और आप उनका बॉस हो, वो बार बार रट लगा रखा है कि मुझे घर जाना है, घर जाना। तो आप क्या बोलोगे? एक बार जाओगे, दोबारा नहीं जाओगे। इसके मतलब आप कमांड दे रहे हो। जिसकी बात प्रॉमिस की बात है, इफ यू शैल गेट मेडल इफ यू स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट के मतलब होता है, स्टैंड फर्स्ट के हिंदी क्या होता है? प्रथम आना, प्रथम आना।
जैसे आप अपने क्लास में प्रथम आते हो तो आपसे प्रॉमिस किया जाता है, टीचर लोग कहते हैं कि यदि आप अपने क्लास में प्रथम आओगे तो आपको मेडल मिलेगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो स्टैंड फर्स्ट ये नहीं कि बोल देगा खड़ा पहले, पहले खड़ा ये नहीं है, प्रथम आना। तो यदि आप पहले आओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेडल। मतलब आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है, जैसे घर में भी आपसे लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप अगर इतना प्रतिशत लाओगे तो आपको नया मोबाइल ले देंगे, घड़ी ले देंगे। अच्छा घड़ी वाला तो जमाना खत्म हो गया, मोबाइल का ही ज्यादा भी ट्रेंड कर रहा है। तो जो प्रॉमिस करते हैं कि यदि आप करोगे तब आपके, फिर घर कभी कभी मेहमान में देखती हूँ रिलेशन में कि आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, यहाँ घुमाने ले चलूंगा वहां ले चलूंगा, इसमें क्या है, आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कि आप आओगे तो ऐसा होगा। यू शैल गेट पनिशमेंट फॉर और मिसबिहेवियर। तो आपसे यहाँ क्या धमकी दिया जा रहा है, यदि आप मिसबिहेवियर होगा मतलब कि आपका दुर्व्यवहार होगा तो उसके कारण से आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो आपके दुर्व्यवहार के कारण से यदि मतलब की है आप गलती करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। जैसे आपसे बहुत बार घर में कहा जाता है कि घर में तुम 7 बजे से या 6 बजे से पहले आ जाओगे, नहीं आओगे पिटाओगे। क्या कहा जाता है, अगर गलत संगत के साथ रहा, अगर दुर्व्यवहार किया, किसी से बदतमीजी किया तो आप पिटाओगे। मतलब आपसे पनिशमेंट मिलने की बात है, मतलब मिसबिहेव करने की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है यू सेल अपोलो गाइड। तो यू सेल अपोलो, अपोलो गाइड के हिंदी को जानते हो क्या, कोई नहीं सच में कोई नहीं जानते हो, वाह। आज हमारे पास 36 स्टूडेंट हैं, इस 36 स्टूडेंट में कोई आज तक ये वर्ड नहीं सुने कभी, सुने सर मगर हिंदी भूल गए। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, क्षमा मांगना नहीं जानते हो सर, सोच रहे थे धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे सोच रहे थे, यस सर दिमाग में आ रहा था। चलो तो यहाँ इसके मतलब क्षमा मांगना। आप देखो आप गलती करते हो और मान का चलो अभी अपने घर वाले से आपको डांटे कि आपको ऐसा मिसबिहेव करोगे तो आपको घर से बाहर कर दूंगा, और आप बते आप पूरा क्या बोलते हैं पूरा एक्सप्रेस कर दिए घर वाले के सामने, बुरा भला सब कह दिए, तो फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं अब मुझे माफी मांग लेना चाहिए। तो आप डायरेक्ट तो नहीं मांग पाते हो लेकिन दोस्तों के सामने जाते हो, फिर वो आपको समझाता है, कहते हैं क्या कहते हैं आपको मांग लेने, मतलब आपको दृढ़ संकल्प की बात करता है या ठान लेने की कहता है चलो एक बार मांग लो। तो जब एहसास हुआ है और सच में गलती है तो यू सेल अपोलो गाइड, मतलब आपको क्षमा मांग लेना चाहिए या फिर आपको माफी मांग लेना चाहिए। क्षमा मांगना यानी माफी मांगना। इसके बाद है आपका यू सेल नॉट एंटर, सॉरी यू सेल नॉट एंट्री माई रूम, सॉरी माई ऑफिस है, माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन। अब ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि बिना मेरा आदेश का आप मेरा ऑफिस या मेरा घर या मेरा किचन या मेरा क्लास या कहीं पर भी आप नहीं आ सकते हो। मतलब आप क्या है तेरे ऑर्डर दे रहे हो कि मेरे आदेश के बिना आप कहीं पर भी इंटर नहीं कर सकते। उसके बाद एवरीथिंग शैल नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जब यहां पर देखो कि एवरीथिंग शैल बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ, ये सभी चीज की किसके अनुसार होगा, नियम कानून के अनुसार। मतलब आप समझो कि आप मैनेजमेंट के पोस्ट पे हो, आप पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हो और उसमें आप दृढ़ संकल्प ठान लेते हो कि इस बार जो भी काम होगा वो हमारा नियम और जो कानून है या जो हमारा दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अभी देखो कि झारखंड गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है कि स्कूल खुलेंगे 9 से 12 और उसमें गाइडलाइंस जारी कर चुका है कि ये सारे आपका मापदंड होना चाहिए और ये सारे कंपलसरी है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल या जिन गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें से ए रूल फॉलो कर दिया है, फॉलो करवा दिया कि जो जो उसके हैं मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग करना, थर्मल स्कैनिंग करना। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि एवरीथिंग सेल्फ अकॉर्डिंग, सारा चीज आपके किसके अनुसार होगा, नियम के अनुसार होगा। तो ये आपका संकल्प आप उसके अनुसार आप ठानते और उसके अनुसार करते हो। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं सर। चलो इसके मतलब मैं यही समझूं कि यहाँ पढ़ने वाले मात्र 1 से 2 लोग हैं। जब मैं आपको बोलूं
यार रिप्लाई तो कर दिया करो, इतने तो अभी बुढ़ापा नहीं आ गया कि आप आवाज भी नहीं दे सकते हो। चलो बुढ़ापा आ गया ना आप लोग को? नहीं सर। मैं आप लोग से क्या उम्मीद कर सकता हूँ, कम से कम आवाज दे दो ताकि मुझे ये एहसास हो कि देखो आप लोग मेरे सामने नहीं हो, जो आप लोग का चेहरा देख करके मैं आपको समझूं। आप लोग जो बोलते हो उसी से मैं भी थोड़ा सा ऊर्जा क्या बोलता हूँ एनर्जेटिक मूड में आता हूँ कि चलो पढ़ाना है, तो मैं भी बिल्कुल शिथिल हो जाता हूँ ताकि मुझे भी एहसास हो। बोलते जा रहे बोलते जा रहे। अब है सूड। सूड के मतलब क्या होता है? चाहिए। अब देखो चाहिए के मतलब यहाँ पे समझने का प्रयास करना, सेल के जो पास्ट फॉर्म होता है वह सूड होता है। अब देखो गा गे गी होता है इसका हिंदी, और इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा या मॉडल के जैसा प्रयोग करते हैं जो पढ़ चुके हैं, लेकिन सूड के मतलब चाहिए। तो ऐसा मत समझना कि जो जिसका पास्ट फॉर्म है उसी पास्ट के अनुसार काम करेगा, जी नहीं, ये आपका प्रेजेंट पास्ट कोई काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट को बात बताता है। और सेल के अब जब हम लोग करेंगे प्रयोग फ्यूचर के जैसा, सॉरी सूड का प्रयोग है ना, सूड का प्रयोग हम लोग सिर्फ प्रेजेंट का जैसा करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो पहला हमारा रूल है वो प्लेस मोरल ड्यूटी। तो मोरल ड्यूटी के मतलब क्या होता है? हमारा नैतिक कर्तव्य। बोल रहे सर, मेरा आवाज शायद स्क्रीन मेरा ऑफ हो चुका है, शायद मेरा आवाज आ रहा होगा तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर अभी बड़े फास्ट बोल रहे थे सर आप। हेलो